तो आई एम बैक अगेन। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब मेरी बेटी सोती है तो मैं क्या करती हूँ जब वो नैप लेती है। तो जब वो नैप लेती है तो मैं घर के बाकी सारे काम करती हूँ। इस वक्त मैं अपना मिरर क्लीन कर रही हूँ स्प्रे मार के जल्दी से। मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को इस बात से भी इंस्पायर किया जाए कि आपको यहाँ पे अपने काम भी खुद करने होते हैं। वैसे परदेश की लाइफ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बड़ा अट्रैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे आप महारानी तो होते हैं मगर नौकरानी भी होते हैं, सब काम भी खुद करने पड़ते हैं। तो व्हाई नॉट अपने घर के काम करने से कोई, मैं इस कहावत से अग्री नहीं करती क्योंकि अपने घर के काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ मासियाँ नहीं होती, नौकरों की लाइन नहीं होती और करने भी चाहिए अपने सारे काम, ये तो हमारे दीन में भी है। बिफोर एंड आफ्टर, अभी पहले बिफोर है उसके बाद में बनाती हूँ बाकी। अभी इसको बना लूंगी बेड को पूरे। नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेड। ये वाला बेड वैसे मेरी बेबी के रूम का है। ये रूम ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब मैं अपनी बच्ची को चेंज वेंज कराती हूँ, तो सारा दिन मेरे पास कामों की भरमार होती है। अभी मैंने इसके सारे डेकोरेटिव पिलोज हटाए हुए हैं और मैं वो अभी जब ये पूरा बना लूँगी तब अरेंज करूँगी, तब रखूँगी। बहुत अच्छे तरीके से बेड बन चुका है, बस अब इस पर मुझे पिलोज रखने। इसको इस तरह विदाउट रिंकल बनाने में बहुत टाइम और एनर्जी लगता है जो कि मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे सुकून नहीं आता जब तक मेरी चीज़ परफेक्ट ना हो, मेरा घर परफेक्ट ना हो, मुझे सुकून नहीं आता। और ये कल की शॉपिंग है जो फिलहाल मैंने ऐसे ही क्रिब में डंप कर दी थी। अभी मुझे ये पूरी क्रिब को भी ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी शॉपिंग अपनी अपनी जगह पे जाएगी और ये क्रिब ऑर्गेनाइज होगी। और इसकी बहुत प्यारी कैनोपी है, उसकी भी मैं वीडियो एक दिन बनाऊंगी। वो कैनोपी अभी लगी भी नहीं है, वो मैं लगवाऊंगी। तो अभी बस मैं ये पिलोज यहाँ रखे हुए हैं जो मैं अभी रखने लगी हूँ इसके ऊपर, और जब सेट करके रखूंगी तो कितने अच्छे लगेंगे फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। बेड बन चुका है, ये रूम मुझे अपनी बेटी का तो है लेकिन मुझे अपनी अम्मी की याद बहुत दिलाता है। मेरी अम्मी अभी जा चुकी हैं, जब वो आती हैं तो इसी रूम में ठहरती हैं। और ये बेडरूम सेट जो है ये मैं जब अपने घर में मूव हुई थी तो मेरी अम्मी ने ये मुझे एज अ गिफ्ट दिया था जो कि बहुत क्यूट सा है। अभी ये एरिया मेरा थोड़ा अरेंज नहीं है, इसको मैंने ऑर्गेनाइज करना है, इसको जस्ट लीव इट। अभी मैं करने लगी हूँ सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज। अभी ये सब कुछ, अभी सिर्फ मेरा बेड बना है, अभी मैंने बेड अच्छे से बना दिया है विदाउट रिंकल। डेकोरेटिव पिलोज भी सज गए हैं, साइड टेबल्स भी अरेंज हो गई हैं। बाकी ये जो दूसरी साइड है कमरे की, ये सारी साइड ये अभी मुझे ऑर्गेनाइज करनी है। सारी लॉन्ड्री है जो मैंने अभी करनी है, अभी डालने लगी हूँ। मुझे बहुत सारी लॉन्ड्री अभी अंदर से निकालनी है और ऊपर शिफ्ट करनी है, और यही मेरी हर वक्त रूटीन होती है। कल इन्होंने की है ये इनके फर्स्ट ड्रॉअर में ले जाके रखूंगी। जो भी हस्बैंड नई चीज़ें ख़रीदते हैं ये मैं इनके फर्स्ट ड्रॉअर में अच्छे से अरेंज करती हूँ। अभी टैग्स भी नहीं उतरे हैं और फर्स्ट ड्रॉअर में इनकी कुछ कैप्स होती हैं जो बहुत तरीके से सलीके से अरेंज होती हैं। और अभी इसमें कुछ और चीज़ें आएंगी क्योंकि अभी इसमें बहुत जगह है, अभी मैं इसको प्रॉपरली अरेंज करती हूँ। जल्दी आसिफ की लॉन्ड्री सेट कर रही हूँ, ये इनकी जीन्स तय हो चुकी हैं, अभी ये इनके उस यूनिट में चली जाएंगी। ट्राउज़र, ट्रैक ट्राउज़र अलग जाएंगे, ड्रेस शर्ट्स अलग जाएंगी, इस तरह वाली शर्ट्स अलग जाएंगी, तय हो चुकी हैं। कुछ उस बॉक्सेस में इस बॉक्स में जा चुका है, कुछ इस बॉक्स में जा चुका है। ये ट्रैक ट्राउज़र अलग से होंगे, ये शर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स की इनकी सेट हो चुकी हैं। इनको मैं अभी सॉर्ट करके इनके ड्रॉअर में, ये इनके शॉर्ट्स हैं, ये सब अलग जाएंगे। तो ये सारा दिन मेरा यही काम होता है। यहाँ इनके बहुत सारे परफ्यूम रखे हुए हैं जो अनपैक होके इनकी अपनी अपनी जगहों पे चले जाएंगे। यहाँ इनकी अभी बहुत सारी मेल है जिसको मुझे अरेंज करना है, काफ़ी मैसी हुआ हुआ है ये। इनकी सारी बाकी शॉपिंग भी मैं खोलती जाऊँगी और वो ड्रॉअर में अरेंज करती जाऊँगी। और ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं जो अभी बहुत मैसी लग रही हैं, ये सब अपनी जगह पे पहुँच के बहुत नीट और क्लीन रूम, बहुत फ्रेश रूम की वाइब आएगी
तो मैं उसके बाद की वीडियो भी बनाऊंगी। तो सारा दिन मेरा इसी तरह गुजरता है घर के डिफरेंट कामों में, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बहुत सारी लॉन्ड्री मैं कर चुकी हूँ, इसको बस अब मैंने अंदर क्लोजेट में अपने हस्बैंड की जो उनकी क्लोजेट है, उनके यूनिट्स हैं, उनके अंदर अभी पहुँचाना है। और यहाँ पे ये सब पहुँचेंगे, उनके टॉवल्स मैं ऑलरेडी फोल्ड करके रोल करके अंदर लगा चुकी थी, ये अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं उनके, आएंगे और यहाँ से वन बाय वन बहुत सलीके से अरेंज करते जाएंगे। ये सब काम सिर्फ तब हो सकते हैं जब आपने पहले से तरीके से सलीके से सब फोल्ड कर लिया हो, और उसके बाद आप ये सब अरेंज कर सकते हैं। सब कुछ इस क्लोज़ेट में नहीं आता, उनकी क्लोज़ेट ये भी है, इसमें भी उनकी कुछ शर्ट्स हैंग होती हैं, फिर ये जो ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स हैं इसमें भी उनकी चीज़ें हैं, फिर ये बॉक्सेस हैं, इनमें मैंने चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ। अभी बहुत बड़ी क्लोज़ेट है, अरेंज नहीं हुई है पूरी, बस होने वाली है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो हर चीज़ बहुत सलीके से अरेंज हो चुकी है, ड्रेस शर्ट्स यहाँ आ चुकी हैं, न्यू शर्ट्स, उनकी कुछ हैट्स, बेल्ट, उसके बाद जीन्स इसमें आ चुकी हैं अपनी जगह पे, तमीज से अरेंज हो चुकी हैं सारी जीन्स, सलीके से आ चुकी हैं अपनी जगह पे, कुछ ड्रेस पैंट्स आ चुकी हैं इधर, और ये इनके ट्रैक ट्राउजर्स, ये भी एक ट्रैक ट्राउजर है, ये इनकी कुछ कॉट्राई पैंट्स हैं, ये भी बहुत सलीके से इसमें टीज डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन की अरेंज हो चुकी हैं। कैजुअल टीज टी शर्ट्स ज़्यादा हैं, ये इनके शॉर्ट्स हैं और ये सॉक्स वगैरह, और ये सब पूरी ये क्लोज़ेट अरेंज हो चुकी है। अब बारी है इनके कुछ परफ्यूम्स की मेरे हस्बैंड के, ये मुझे अनपैक करके और इनकी जगह पे पहुँचाने हैं जहाँ जहाँ हैं, और फिर मुझे ये सारी मेल को सॉर्ट करना है और इसको यहाँ से मूव करना है, क्योंकि ये इनकी कंप्यूटर टेबल है जो बिल्कुल नीट और क्लीन होती है, और ये बॉक्सेस अभी मुझे अंदर रखने हैं, तो बस काम थोड़ा ही रह गया है। ये वाला रूम मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्विक व्यू दिखा रही हूँ मैं इसका आपको। यहाँ पूरी लॉन्ड्री पड़ी हुई थी, बेड पूरा लॉन्ड्री से भरा हुआ था, सब सॉर्ट होके अपनी जगहों पर जा चुकी हैं चीज़ें, हर चीज़ क्लीन हो चुकी है, नीट एंड क्लीन, क्लोज बॉक्सेस आर इनसाइड क्लीन प्रॉपरली, कंप्यूटर टेबल इज क्लीन, ऑफिस इज क्लीन, एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाले परफ्यूम्स मुझे अभी एक वॉशरूम में रखना है और बाकी सब कुछ रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड के परफ्यूम्स मैंने सारे अनपैक कर लिए हैं पैकेजिंग में से, ये वाला वॉशरूम में चला जाएगा ताकि उनके लिए रेडिली अवेलेबल हो, बेडरूम में भी उनका परफ्यूम होता है, ये वाला इधर रहेगा इस ड्रेसिंग इस ड्रेसर पे, और ये भी देखती हूँ कहाँ रखना है क्योंकि जल्दी कभी कभी क्विकली बाहर बाहर निकलना होता है और टाइम बिल्कुल नहीं होता कि बंदा रूम में अंदर आ सके, तो मैं हर स्टेशन पर उनका परफ्यूम रखती हूँ, इस रूम में भी जो मेरा कॉमन वॉशरूम है उसमें भी, जो मास्टर बेड का वॉशरूम है उधर भी, मास्टर बेडरूम में भी, हर जगह उनके लिए डिफरेंट जगहों पर उनकी इजी एक्सेस के लिए उनकी ज़रूरत की सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये परफ्यूम आ जाएगा इस डिश में, और अभी हम चलते हैं बाकी परफ्यूम्स उनकी जगह पे रखते हैं। यहाँ पे ये परफ्यूम आ जाएगा और ये भी यहीं रख देते हैं आई गेस, क्योंकि ऑलरेडी मास्टर बेड में उनके दो परफ्यूम्स पड़े हुए हैं। ईमान उठ चुकी है, मैं ईमान को पहले जाके देखती हूँ, तो चलते हैं ईमान को देखते हैं। हाय ईमान, ईमान अपने रूम में इसलिए नहीं सोती क्योंकि ये रूम मेरे से ज्यादा करीब है और हर वक्त मैं इसे देखती रहती हूँ। हाय ईमाने, सो आर यू अप नाउ, हाउ वाज योर स्लीपी स्लीपी टाइम, हाउ वाज योर फेरी वर्ल्ड राइड, डिड यू मीट योर शशि हयापी, डिड यू मीट योर दादा अबू दादी अम्मी, डिड यू से माय सलाम। मेरी बेटी उठ चुकी है, अब मुझे इसको दूध पिलाना होगा, इसको थोड़ा एंगेज करना होगा, इसके साथ खेलना होगा। उठ चुकी है, मैं उसका डायपर चेंज करा चुकी हूँ
और ये मानी कैडी है, इसके अंदर इसकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वैज़ीन, डायपर रैश, बॉडी लोशन, ईमान के वाइप्स, ईमान के फेशियल वाइप्स, ईमान की डिफरेंट चीज़ें। और ये मैं रखती हूँ, इसको नीचे ज़रूर बिछाती हूँ एज ए लाइनर, वॉश करा वो जब इसको मैं क्लीन कर रही होती हूँ। मैं ज़्यादातर इसको इसी बेड पे रखती हूँ क्योंकि सोती भी मेरे साथ ही है यहाँ पे इसके रूम में। ये तब जाती है जब इसे खेलना होता है, कार्टून्स देखने होते हैं, या फिर इसको जब मुझे चेंज कराना होता है। तो मैं अभी इसको लेके जा रही हूँ ईमानू को, और अपनी पाली बेटी को मैं अभी फेस वॉश कराऊंगी इसका। ये मम्मा इज टेकिंग ईमाने इन टू द वॉशरूम टू वॉशी हर फेशू। Yes, अब हम फेस वॉश करेंगे ईमान का। ये माने यस मेरा बेबी क्रीम लग रही है। ईमान का डायपर चेंज हो चुका है, फेस वॉश हो चुका है, और ये बहुत अच्छा बेबी लोशन है अवीनो का। ये मैं ईमान को लगा रही हूँ। ईमान इधर 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 टर्न योर फेस, लुक एट मम्मा जानू। और ये ईमान के चीकों पे जल्दी जल्दी से मैं क्रीम लगा रही हूँ। उसके बाद ईमान के छोटे छोटे सॉक्स ही पहनाऊंगी, और उसके बाद ईमान का ही हेड बैंड लगाएगी मम्मा। और इस तरह ईमान आज के दिन के लिए रेडी होगी, और फिर मैं ईमान को जाके इसकी कार सीट में स्ट्रॉलर वाली में बिठाऊंगी और ईमान को कुछ खिलाऊंगी। ये माने अभी फाइनल लुक दिखाती हूँ उसको, सॉक्स पहना के, हेड बैंड पहना के, और प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ ये देखने के लिए कि ईमान ने आज कौन सी बिब पहननी है। और मैंने निकाल ली है बंच ऑफ बिब्स, और अब सेलेक्ट कर रही हूँ उस वक्त कि कौन सी बिब आज पहनेगी, आज के ड्रेस के साथ कौन सी जाएगी। यह हेड बैंड भी पहन चुकी है, सॉक्सी भी, बिब भी। अब हम इसको लेके जाएंगे, और इस कमरे से अब हम फिलहाल जा रहे हैं अपने रूम से, और अब जाते हैं ईमान को लाउंज में बिठाते हैं, बाकी घर के काम भी करते हैं, ईमान को भी एंगेज करते हैं। रेडी हो चुकी है, और मैंने इसके कार्टून्स को चला दिया है। यस, अब ईमाने का कुछ खाने की बारी है, और मैं इसको थोड़ा थोड़े से पीसेस थोड़ा थोड़ा करके इसको खिला रही हूँ। आई होप इट कैन बी कैप्चर्ड इन कैमरा। ईमान प्लीज ले बैक, ईमान प्लीज sit back and relax। तो रूटीन बहुत टफ होती है, घर के काम भी होते हैं, बच्ची को भी देखना होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब मैनेज हो जाता है, और अल्लाह ताला सब करवा ही देते हैं। आराम से थोड़ी देर स्ट्रॉलर में बैठेगी क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है, फीड करा चुकी थी इसको। नाउ शी इज रेडी फॉर द डे। इस वाले रूम को थोड़ा सेट करने की, चीज़ें काफ़ी फैली हुई हैं, हर चीज़ जगह जगह फैली हुई है। अब मैं ये सब अरेंज करती हूँ, इसको रिंकल फ्री सेट करती हूँ, डेकोरेटिव पिलोज इसके सेट करती हूँ, साइड टेबल को अरेंज करती हूँ, बॉटल्स वगैरह सब हटाती हूँ, यहाँ की डस्टिंग करूँ, और फिर मैं बनाऊँगी एक फ़ाइनल वीडियो। बन चुका है, बस अब पिलोज आने और पिलो कवर्स चढ़ने, ये पिलोज पड़े हुए। हाँ, तो हर चीज़ अरेंज हो चुकी है, अपनी जगह पे जा चुकी है हर चीज़, बेड बन चुका है, डस्टिंग हो चुकी है, और ज्वेलरी डिश भी अरेंज हो चुकी है। परफ्यूम्स यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कुछ रखे हुए होते हैं, ये 1 मिलियन रखा हुआ है, रिदम रखा हुआ है जुनेद जमशेद का, मेरे कुछ परफ्यूम्स यहाँ रखे हुए हैं जो हमेशा रेडली अवेलेबल होते हैं, फौरन जब चाहिए हो हम लोगों के लिए। तो सारी सफाई हो चुकी है, तो ये मेरा सारे दिन की रूटीन होती है। सारा दिन मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ अरेंज कर रही होती हूँ, सफाई सुथराई कर रही होती हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही होती हूँ। बाहर ईमान की मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे उसके पास जाना है। Ivan is giggling, she's laughing. Wow. मेरा बच्चा छोटा जा, मेरा मुन्ना छोटा जा, मेरी गुड़िया छोटी थी, मेरी ईमान छोटी थी।
Ha ha ha.